हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है वापस से पाइथन के मास्टर क्लास में और ये हमारा है लेक्चर नंबर सिक्स और इस लेक्चर में हम लोग कंसेप्ट को समझने वाले पाइथन के वेरिएपिकर सिक्स वेरिएबल इन पाइथन हाउ टू क्रिएट अ नेक्स्ट रहेगा नेमिंग वेरिएबल रूल्स सो हम लोग फटाफट पॉइंट नंबर वन के ऊपर मूव करते हैं व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन

ठीक है ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपको एक्सप्लेन करने के लिए सो तो जो वेरिएबल्स में क्रिएट किया हूँ सपोज पॉकेट है उसके अंदर कभी दस रुपया हो सकता है कभी बीस रुपया हो सकता है कभी दस हज़ार कभी बीस हज़ार तो जितना अमाउंट आप स्टोर करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप उसमें स्टोर कर सकते हैं ऐसे बैंक अकाउंट हो गया तो बैंक अकाउंट को अगर आप वेरिएबल कंसिडर करेंगे तो उस अकाउंट के अगेंस्ट आप जो भी अमाउंट स्टोर करेंगे वो अमाउंट क्या रहेगा कभी भी फिक्स नहीं रहेगा सो वे वी डेवलप अ प्रोग्राम वी नीड टू मैनेज अर वैल्यूज़ टू स्टोर वैल्यूज वी यूज वेरिएबल सो वेरिएबल का यूज़ क्या करते हैं हम लोग वैल्यू को स्टोर करने के लिए ठीक है नेक्स्ट इन फाइव वेरिएबल इज अ लेबल दैट यू कैन असाइन अ वैल्यू टू इट एंड वेरिएबल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ वैल्यूज यानी कि जो भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे सपोज नेम क्रिएट करता हूँ सो नेम के अगेंस्ट अगर मैं कोई वैल्यू डालता हूँ सपोज रिसर्व तो वो क्या होगा ये जो नेम है वो हमेशा उस वैल्यू को एसोसिएट करेगा उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा द वेरिएबल मैसेज कैन होल्ड वेरियस वैल्यू एट डिफरेंट टाइम्स एंड इट्स वैल्यू कैन चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम इसका मतलब क्या होता है कि सपोज अगर मैंने वेरिएबल क्रिएट किया नेम इक्वल टू रिसभ अभी क्या होगा फ्यूचर में हमारा जब कोड लिखते रहेंगे तो हम लोग उस वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं सपोज नेम रिसभ है फिर मैं कर दिया नेम इज इक्वल टू रितेश तो क्या होगा वेरिएबल की वैल्यू को थ्रू आउट द प्रोग्राम हम लोग चेंज कर सकते ऐसा नहीं कि हम लोग एक बार वेरिएबल क्रिएट कर दिए तो उसके वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते तो ऐसा कंसेप्ट नहीं होता अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या किया है मैंने एक मैसेज का एक वेरिएबल क्रिएट किया ठीक है ये वेरिएबल है मैसेज एंड इस मैसेज में मैंने एक वैल्यू स्टोर किया हेलो वर्ल्ड जो कि क्या है हमारा स्ट्रिंग टाइप का है ठीक है ये क्या है स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड इसको मैंने प्रिंट कर दिया फिर सेम चीज़ें मैं क्या किया मैंने इसको मैसेज का क्या वेलकम टू पाइथन मास्टर क्लास तो मैंने यहाँ पे क्या किया हेलो वर्ल्ड से वैल्यू को चेंज कर दिया मैंने वेलकम टू पाइथन मास्टर क्लास में एंड जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलेगा करेक्ट जो वैल्यू पहले था हेलो वर्ल्ड वो मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर नहीं मिलेगा यहाँ मुझे क्या मिलेगा वेलकम टू पाइथन मास्टर क्लास ये कुछ कंसेप्ट था वट इज वेरिएबल्स इन पाइथन नेक्स्ट है हमारा हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल इन पैथफॉर्म ये ऑलरेडी हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट्स को बट फिर भी हमें रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है सिंटेक्स सिंटेक्स टू क्रिएट द वेरिएबल्स आर एज फॉलो तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा हमारा वेरिएबल का नेम फिर रहेगा इक्वल टू और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू हमें उस वेरिएबल में स्टोर करना है उसको हम लोग यहाँ पे इक्वल टू के बाद डालेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एज देन इक्वल टू और फिर मैं सपोज यहाँ पे करता हूँ मैं ट्वेंटी तो एज जो है वो क्या हो गया, गया वेरिएबल का नेम हो गया और ये जो क्या हो गया वो उसका क्या हो गया वैल्यूज ठीक है आपको कंसेप्ट समझ में काफ़ी अच्छे से आ रहा होगा द इक्वल टू ऑपरेटर दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर इसको क्या बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या करता है ट्वेंटी को असाइन करता है एज के वेरिएबल्स में इन दिस सेंटेक्स यू असाइन अ वैल्यूज टू अ वेरिएबल नेम यू असाइन अ वैल्यू

अब यहाँ पे देखेंगे तो यह और ये क्या हो गया मेरा string हो गया so यहां पे मैं name के अंदर करता string और एज के अंदर स्टोर कर रहा हूँ मैं नंबर सो so कुछ इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स के कंसेप्ट को हाउ टू क्रिएट अ वेरिए को समझ सकते हैं नेक्स्ट है हमारा नेमिंग वेरिएबल रूल्स अभी सपोज हम किसी का नामकरण करते हैं तो किसी का नामकरण जो है वो इस तरीके से करना है कि उस नाम को देख के हमें उसका फंक्शनैलिटी या उसका काम समझ में आ जाए सपोज़ अगर मैं एज क्रिएट करता हूँ और लिखता हूँ नेम इजोर ट्वेंटी फाइव तो दोनों जो है वो मिसमैच कर रहा है करेक्ट तो हमें कोई वेरिएबल का नेम क्रिएट करना है तो उसको किस तरीके से क्रिएट करना है किसी बच्चे का नाम देना है तो उसका नाम ऐसा होना चाहिए कि सपोज़ अगर लड़का है तो उसको हमें लड़के का नाम देंगे लड़की है तो उसको लड़की का नाम देंगे तो, नाम देंगे, तो उससे नाम से हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो लड़का या लड़की है सो so, इसी तरीके से हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी वेरिएबल क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं तो so, वही कंसेप्ट को हम लोग इस स्लाइड में समझेंगे सो so, वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन ओनली लेटर्स नंबर और अंडर यानी कि जब भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे आइधर हम लोग उसको अंडर से क्रिएट कर सकते हैं या फिर नंबर्स हो सकता है उसके अंदर या फिर क्या हो सकता है लेटर हो सकता है ठीक है नेक्स्ट है दे कैन स्टार्ट विथ लेटर और अंडर स्कोर नॉट विथ नंबर यानी कि जब भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे उस वेरिएबल का स्टार्टिंग करेक्टर कभी भी नंबर्स नहीं होगा यानी कि अगर मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सपोज टू एज इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ये क्या है रॉन्ग है ये क्या है रॉन्ग है बट वही मैं करता हूँ सपोज एज इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव और अंडर स्कोर एजो ट्वेंटी फाइव तो ये क्या है वैलिड हो जाएगा ठीक है अंडर स्कोर एज इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो दिस टू आर वैलिड वेरिएबल्स बट दिस इज इन वैलिड कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर नेक्स्ट है वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेंट स्पेसिस टू सेपरेट वर्ड्स इन वेरिएबल वी जूज अंडर स्कोड यानी कि इसका मतलब है कि सपोज अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ फर्स्ट नेम तो मैं यहाँ पर ऐसा निकल सकता हूँ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू रिश

कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकता हूँ अगर मैं एग्जांपल बताऊँ जैसे ट्रू और फॉल्स ये बुलियन का एक टाइप होता है इसमें वैल्यू क्या होता है उसका ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर करता है तो ये क्या हो गया रिजर्व की है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ ट्रू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सपोज स्ट्रिंग स्टोर करते दो ये क्या हो जाएगा इनड हो जाएगा सो रिज़र्व की का यूज़ कभी भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करने के लिए और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए नहीं कर सकते हैं वेरिएबल नेम शुड बी कंसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव यानी कि जब भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसका नेम से ही मालूम बचाना चाहिए कि वो वेरिएबल जो वो किस काम के लिए है जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे एज इक्वल टू मैंने टेन किया है और यहाँ पे ए इक्वल टू टेन किया है तो कौन सा आपको सबसे बेस्ट लगता है समझने के लिए फर्स्ट वाला करेक्ट सो फर्स्ट वाले से मालूम पड़ता है कि हाँ एज हमने हाँ पे यहाँ पे स्टोर किया अब यहाँ पे ए इक्वल टू टेन है तो इससे मालूम ही नहीं पड़ता है तो क्या कोडिंग जब भी करते हैं तो जितना हो सके उतना हमें रिडेबल फॉर्मेट में कोडिंग करना पड़ता है इसे फ्यूचर में भी काफ़ी आप जब कोड देखने आएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा यूज़ अंडर स्कोर टू सेपरेट मल्टीपल वर्ड्स इन वेरिएबल नेम यानी कि माई सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए माई कॉलेज नेम तो ये मल्टीपल वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया अंडर स्कोर तो यही है इस पॉइंट में कहना चाहता है यूज अंडर स्कोर टू सेपरेट मल्टीपल वर्ड्स इन द वेरिएबल नेम यूजिंग लेटर आई एन अपर केस लेटर ओ बिकॉज दे लुक लाइक वन एंड जीरो करेक्ट जब भी हम लोग आई और ये यूज करते हैं सपोज कैपिटल लेटर आई यूज करेंगे ठीक है कैपिटल लेटर तो ये आई जो है वो कुछ इस तरह के दिखाया था तो लगता है ये वन है कि आई है कैपिटल आई है और हम लोग जब, जब जीरो यूज करते हैं तो ये लगता है जीरो है कि ओ है तो, तो ट्राई कीजिए जितना हो सके वो अवॉइड करने का कैपिटल आई और जीरो या फिर ओ ठीक है यूज करना वेरिएबल को क्रिएट करने टाइम पे काफी ये जो है ये सारे बेस्ट प्रैक्टिस है सो so, हमने क्या सीखा अवेरियबल्स इज लेबल दैट यू कैन असाइन अ वैल्यू टू इट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएन चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम करू जो है वो प्रोग्राम करना चेंज हो सकता है यूज द वेरिएबल नेम इज अकोड वैल्यू टू क्रिएट अ वेरिए थर्ड पॉइंट था वेरिएबल नेम शुड बी कनसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल अल्सो दे शुड बी अधेयर टू पाइथन वेरिएबल रूल्स यानी कि जब भी हम लोग वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे तो उसमें जो है वो काफ़ी अच्छे से हमें क्रिएट करना चाहिए तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेरिएबल्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय जय हिंद